हे गाइस, वेलकम टू दी रैश केयर। स्वागत है आपका रैश केयर के इस एक और नए वीडियो में। तो गाइस, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, खास करके मेरे जैसे बहुत से जो ऐसे फैंस हैं जिनको बजाज की एक बाइक बहुत ज़्यादा पसंद है, काफ़ी सालों से उस बाइक को पसंद करते आ रहे हैं, लेकिन रिसेंटली ही उन लोगों को उस बाइक से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ सुनने मिली। और जिस बाइक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है बजाज की पल्सर 220F। इस बाइक को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, बहुत से लोग नाराज हुए क्योंकि अभी रिसेंटली ही बजाज वालों ने F250 को लॉन्च किया है एंड 220F को डिसकंटिन्यू कर दिया, जिसके कारण बहुत से लोग जो 220F के लवर्स थे वो नाराज हो गए हैं। और गाइस, ऐसे में जो F250 है उसके भी जो सेल्स है वो इतने कुछ खास नहीं है, वो बाइक भी इतना कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही है। एंड लोगों का ऐसा फीडबैक है जो 220F थी वही बेस्ट बाइक थी, उसमें जो पावर आउटपुट्स उनको अचीव हो रहे थे वो बेस्ट थे, और जो कम्फर्ट थी, जो राइडिंग पोजिशन थी, वो सभी चीज़ें उनको 220F की ही ज़्यादा पसंद आती थी। तो ऐसे में बजाज वालों ने इस बाइक को तो डिसकंटिन्यू कर दिया है, लेकिन गाइस अभी रिसेंटली ही न्यूज़ आ रही है बजाज वाले फिर से इस बाइक को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं और एक नए अपडेट के साथ इस बाइक को लॉन्च करेंगे, जिसमें इस बाइक के जो लुक्स है, जो ग्राफिक्स है, जो फीचर्स है वो और भी ज़्यादा इनहेंस करने वाले हैं, और भी कुछ नए फीचर्स के साथ हमें ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होते हुए दिखने मिल सकती है। तो आज की ये वीडियो कम्प्लीटली इसी बाइक से रिलेटेड है कि क्या कुछ आपको इस बाइक में नया देखने मिलेगा, किस प्राइस पॉइंट के साथ इस बाइक को लॉन्च किया जा सकता है, और कब तक ये बाइक हमें इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होते हुए दिखने वाली है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक, और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस इस नई 220F के नेक्स्ट जनरेशन के लुक्स और डिजाइन के बारे में। तो गाइस, इसे न्यूज आ रही है कि इस बाइक के जो लुक्स है वो काफी हद तक 220F ओल्ड वाली आती थी उसी से सिमिलर होंगे, लेकिन थोड़े बहुत फेयरिंग के यहाँ पर आपको चेंजेस देखने मिल सकते हैं, कुछ जो बॉडी पार्ट्स है वो भी आपको एड ऑन होते हुए दिख सकते हैं। और इस बाइक का जो फ्रंट लुक है उसको बताया जा रहा है सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप जो देखने मिलता था वही सेम सेटअप होगा, लेकिन एक कुछ नए यूनिक चेंजेस के साथ हमें इस बाइक का फ्रंट लुक देखने मिलेगा, जिससे ना तो ये बाइक कम्प्लीटली चेंज होगी और जो आपको 220F जैसे लुक्स के साथ देखने मिलती थी उसी तरह के लुक्स होंगे। बस थोड़ा बहुत इस बाइक का जो फ्रंट लुक है उसे और भी ज़्यादा थोड़ा एनहेंस करने के लिए इस बाइक में थोड़े चेंजेस देखने मिलेंगे इसके फ्रंट लुक में। और जो इस बाइक की टेल लाइट है उसमें बताया जा रहा है काफी कुछ चेंजेस आपको देखने मिल सकता है, उसको कंप्लीटली चेंज भी किया जा सकता है, जो न्यूज आ रही है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बाकी इस बाइक में बताया जा रहा है कंप्लीटली आपको LED लाइट्स का ही यूज देखने मिलेगा, साथ ही के साथ फ्रंट में आपको यूनिक डिजाइन के साथ LED DRLs का भी ऑप्शन देखने मिलेगा, और जो इस बाइक के टर्न इंडिकेटर्स है उसमें भी आपको LED लाइट्स का ही यूज देखने मिलने वाला है। जिस तरह से अभी मैंने बजाज की हिस्ट्री बताई, और भी अदर ब्रांड्स हैं जैसे कि रॉयल एनफील्ड, इन सब की हिस्ट्री आपको जानना होगा तो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, एक एप्लीकेशन चाहिए होगा। तो ऐसा एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है कुकू FM। कुकू FM एक ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको 1000 घंटे से भी ज़्यादा का ऑडियो कंटेंट देखने मिलता है। यहाँ पर आपको हिस्ट्री, मोटिवेशनल, जितने भी फेमस सेलिब्रिटी है सबकी हिस्ट्री आप लोग यहाँ से जान सकते हो। और अभी यहाँ पर स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है, जो फर्स्ट 250 यूजर्स होंगे जो हमारा कोड यूज़ करेंगे RASH50 उन्हें 50% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और जितनी भी हिस्ट्री है, जितने भी फेमस सेलिब्रिटी की हिस्ट्री आप लोगों को जानना है वो आप लोग यहां से सुन सकते हैं। तो इस बाइक का जो इंजन है उसमें कोई ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं देखने मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ इस इंजन की जो ट्यूनिंग है उसको चेंज किया जाएगा। थोड़े बहुत आपको जो पावर आउटपुट से BS6 के कारण जो कम हुए थे वो आपको 1 से 2 BHP का पावर आपको थोड़ा ज्यादा देखने मिलेगा इस नई 220F के नेक्स्ट जनरेशन में, और जो टॉर्क अमाउंट है वो भी आपको थोड़ा ज्यादा देखने मिलेगा इस नई वाली 220F में। बाकी जो सेम इंजन आप 220F ओल्ड मॉडल में देखने मिलता था वही सेम इंजन होगा, जो कि आपको 220cc डिस्प्लेसमेंट के साथ ऑफर किया जा रहा है। वहीं बात करें पुरानी 220F के मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम टॉर्क के बारे में, तो 20.1 BHP का आपको मैक्सिमम पावर देखने मिलता था 8500 RPM पे, इस नई वाली 220F में पकड़ के चलो 21 से लेकर 22 BHP का आपको मैक्सिमम पावर देखने मिल सकता है 8500 से लेकर 9000 RPM तक। और जो मैक्सिमम टॉर्क है पुरानी वाली 220 में वो आपको 18.5 Nm का देखने मिलता था 7000 RPM पे, नई वाली 220F में पकड़ के चलो 20 से
लेकर 21 न्यूटन मीटर का आपको मैक्सिमम टॉर्क देखने मिल जाएगा 7500 आरपीएम से लेकर 8000 आरपीएम तक। वहीं बात करें इस बाइक के ट्रांसमिशन के बारे में तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको इस बाइक का गियर बॉक्स देखने मिलता था, यानी कि नंबर ऑफ गियर्स आपको इस बाइक के साथ 5 देखने मिलते थे। इस बाइक का जो कूलिंग सिस्टम था उसमें आपको ऑयल कूल्ड देखने मिलता था। हो सकता है जो नई वाली 220F वो उस बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो और भी ज्यादा इंप्रूव के लिए 220F में आपको लिक्विड कूलिंग का ऑप्शन देखने मिल जाए, बट मुझे नहीं लगता है बजाज वाले इस बाइक में आपको लिक्विड कूलिंग का ऑप्शन देंगे। क्योंकि आप लोग एग्जांपल देख सकते, इनकी जो नई बाइक्स आई थी उनका आप लोग एग्जांपल ले लो, बाकी मुझे कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोग समझदार हो, आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। वहीं बात करें इस बाइक के इंजन के कुछ और डिटेल्स के बारे में तो इसमें आपको FI टेक्नोलॉजी देखने मिल जाएगी, यानी कि फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी आपको इस बाइक के साथ देखने मिल जाएगी। वहीं बात करें इस बाइक के टायर ब्रेक और सस्पेंशन के बारे में, जो टायर्स और ब्रेक्स है यहाँ पर तो आपको कोई चेंजेस नहीं देखने मिलने वाला है। ऑलमोस्ट जो आपको 220F में टायर और ब्रेकिंग ड्यूटीज आपको ऑफर की जा रही थी वही सेम देखने मिल जाएगा। ड्यूअल चैनल ABS भी देखने मिल जाएगा, फ्रंट एंड रियर दोनों में ही आपको डिस्क ब्रेक ऑफर कर दी जाएगी और जो टायर सेक्शन था वो भी आपको सेम देखने मिलेगा। हाँ, लेकिन जो चेंजेस आपको देखने मिल सकता है वो इसके सस्पेंशन को लेकर किया जा सकता है, ये अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। बस न्यूज़ के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि हो सकता है कि इस बाइक में आपको USD4 इस बाइक के साथ ऑफर कर दे इसके फ्रंट सस्पेंशन में, और जो पीछे का सस्पेंशन है वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा। जो पुरानी वाली 220F में जो आपको सस्पेंशन ऑफर किया जाता है वही सेम सस्पेंशन आपको पीछे ऑफर किया जाएगा, लेकिन बस फ्रंट में आपको बताया जा रहा है कि इस बाइक में आपको USD4 देखने मिल सकते हैं। बाकी और कुछ कन्फर्म न्यूज़ आएगी डेफिनेटली आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। अब बात करते हैं इस बाइक के मेन चेंजेस के बारे में जो इस बाइक को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव करने वाला है यंग ऑडियंस की तरफ, वो है इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट कंसोल। जी हाँ गाइस, इस बाइक में इस बार आपको फुली डिजिटल कंसोल देखने मिल जाएगा जिसमें आपको सभी तरह के इंडिकेशन सभी डिजिटल फॉर्म में देखने मिलने वाले हैं। सभी इंडिकेशन जैसे कि स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, गियर पोजिशन इंडिकेटर, सभी इंडिकेशन आपको इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में देखने मिल जाएंगे। वहीं बात करें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बारे में, उसकी कुछ गारंटी नहीं है कि इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन देखने मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि बजाज के तरफ से अभी तक ऑफिशियली इनकी किसी भी बाइक्स में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ये फंक्शन नहीं देखने मिलता है। बाकी जो कंसोल होगा इस बाइक का वो कंप्लीटली नया होगा, एक नए डिजाइन के साथ आपको देखने मिलेगा। डिजाइन थोड़े बहुत सिमिलर होंगे पुरानी वाली 220F के तरह ही, लेकिन आपको डिजिटल फॉर्म में देखने मिलेगा तो ये बहुत ही अच्छी बात है। फाइनली बात करते गाइस इस बाइक के लॉन्च डेट और इस बाइक की प्राइस के बारे में कि किस प्राइस पॉइंट के साथ इस बाइक को लॉन्च किया जाएगा और कब तक ये बाइक फाइनली हमें इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होते हुए दिखने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में। तो गाइस जो पुरानी वाली 220F आती थी उसकी जो प्राइस थी वो आपको 131,000 के आसपास उसकी एक्स शोरूम प्राइस देखने मिलती थी, और तो पकड़ के चलो ये जो नई वाली 220F आएगी इसकी प्राइस आपको करीबन 6,000 से लेकर 8,000 तक की प्राइस आपको इंक्रीज होते हुए दिख सकती है। तो पकड़ के चलो 140,000 से लेकर 142,000 तक इसकी एक्स शोरूम प्राइस हमें देखने मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे नए फीचर्स आपको इस बाइक में एड ऑन होते हुए दिख सकते हैं, तो उसके कारण इस बाइक की जो प्राइस है वो बट ऑब्वियस है कि इंक्रीज होने वाली है। और वहीं बात करें इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में तो गाइस ऐसा बताया जा रहा है कि जो F250 है उसके सेल्स बहुत कम हो गए हैं, और जिसके कारण जो 220F के सेल्स है वो तो काफ़ी अच्छे चल रहे थे लेकिन उस बाइक को डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो बजाज को काफ़ी ज़्यादा नुकसान सहना पड़ रहा है। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि इसी साल के एंडिंग से पहले पहले ये जो नई वाली 220F है इसको लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी RS 200 का जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी अभी लॉन्च होना बाकी है। तो देखते हैं बजाज वाले इन दोनों में से किस बाइक के नेक्स्ट जनरेशन को पहले लॉन्च करते हैं। दोनों में से एक ना एक बाइक का जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आपको इस साल तो लॉन्च होते हुए डेफिनेटली देखने मिलने वाला ही है। हो सकता है दोनों बाइक्स का ही जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आपको इसी साल लॉन्च होते हुए दिख जाए। कुछ भी न्यूज आएगी मैं आप लोगों को डेफिनेटली इन्फॉर्म कर दूंगा, तो मेक श्योर चैनल को यार जरूर से सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, जब तक